अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है एप्लीकेशंस टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बैलिस्टिक फ्लाइट को हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। आप इसको अंडरलाइन कीजिए। ए बैलिस्टिक फ्लाइट इज दैट इन विच ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश एंड इज देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया, ये बैलिस्टिक फ्लाइट की डेफिनेशन है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है वो फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को रोकती है कि वो उसकी जो करंट स्टेट है उसको वो चेंज, यानी एक हालत से दूसरी हालत में जाने से बॉडी को रोकती है। मतलब वो जैसे एक बॉडी अगर सीधी चल रही है, मैं आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में बताऊं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इनर्शिया कोशिश करेगा कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करे, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड लेके जाती है। ठीक है, तो ये जो बैलिस्टिक फ्लाइट है, बैलिस्टिक फ्लाइट इज दैट इन विच अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल हाई इनिशियल पुश, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको थ्रो करते हैं एंड इज देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड दी एंड अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये हो गई आपकी बैलिस्टिक फ्लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि समटाइम्स शॉर्ट डेफिनेशन आती हैं, आप कहते हैं ये तो है ही नहीं बुक में, तो इसलिए मैं समझाने के बाद वर्ड बाय वर्ड आपको बता देती हूँ। इस एक पैराग्राफ में तीन डेफिनेशन है। पहली हो गई बैलिस्टिक फ्लाइट की, दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल की। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड ए बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन हो गई। अब थर्ड डेफिनेशन देखें। एंड द पाथ फॉलोड बाय इट इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अगर आप ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन हो गई, अगर आपको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं द पाथ फॉलोड बाय ए बैलिस्टिक मिसाइल इज नोन एज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब अभी जो बात मैंने इनर्शिया की और आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बताई, अब ये वो लिख रहा है ए बैलिस्टिक मिसाइल मूव्स इन ए वे दैट इज द रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। A straight line inertial flight in the direction of the launch and a vertical gravity fall. ठीक है? By the law of inertia, an object sail straight off in the direction thrown at constant speed equal to the initial speed, particularly in empty space. But the downward force of gravity will alter straight path into a curved ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होती है या एलिप्टिकल, ये कौन डिसाइड करेगा? सो फॉर शॉर्ट रेंजेस, अगर मिसाइल करीब ही कहीं आपने जो है फेंकना हो शॉर्ट रेंज पे, फॉर शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन, और अर्थ को फ्लैट अप्रोक्सीमेट कर लिया जाए, द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, तो फिर ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी। But the dragless ballistic trajectory for spherical earth should actually be elliptical. अगर अर्थ को हम parallel flat consider कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये parallel होगी, लेकिन अगर हम proper उसको spherical earth के लिए कहते हैं तो फिर ballistic trajectory जो है वो elliptical होगी। ठीक है, ये तो short range के लिए है और एक स्पीड हमने अप्लाई कर दी, लेकिन जब ये मिसाइल जा रहा होता है तो वहाँ एयर फ्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है, और अदर फोर्सेस भी होती हैं जो रुकावट बनती हैं, बट एयर फ्रिक्शन जो है वो सबसे जो है प्रोमिनेंट फोर्स उस वक्त होती है। लेकिन अगर एक और वो हमें जो है हाई स्पीड्स पे ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आती है। सो एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रेजेक्ट्रीज The air friction is not negligible, मगर मतलब एक तो बहुत स्पीड से जा रहा हो और फिर बहुत दूर तक भी जाना हो, ट्रेजेक्ट्री यही है ना, लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री को बहुत दूर तक जो है हमने फायर किया हो, एंड सम
टाइम्स द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज मोर देन ग्रेविटी, और बाज दफा तो इतनी फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन हो जाती है कि वो ग्रेविटी से भी ज्यादा हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है, इट अफेक्ट्स बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन. तो जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन है वो जो है वो अफेक्ट होती है. देयरफॉर इट इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक टू निग्लेक्ट द एरोडायनामिक फोर्सेस. द शूटिंग ऑफ ए मिसाइल ऑन ए सिलेक्टेड डिस्टेंस स्पॉट इज ए मेजर एलिमेंट ऑफ वारफेयर. वारफेयर में अगर मिसाइल आपने फायर करना है, ठीक है, या शूट करना है, तो आपने आपका हदफ होता है कि ये वहां जाके लगे, ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है. इट अंडरगोज कॉम्प्लिकेटेड मोशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन एंड विंड एटीसी. कॉन्सिक्वेंटली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन नॉट बी फाउंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन एट द मोमेंट ऑफ लॉन्चिंग. The actual flights of missiles are worked out to high degrees of precision and the result were contained in a tabular form. पहले सारी calculations की जाती हैं, किस angle से फेंकेंगे, कितनी velocity देंगे, ठीक है, तब जाके फिर उसको missile को launch किया जाता है या shoot किया जाता है, ठीक है. The modified equation of trajectory is too complicated to be discussed here. यहाँ वो कह रहे हैं कि हम कैलकुलेशंस करते हैं लेकिन यहाँ पे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये एफएससी लेवल पे उन्होंने इस बुक पे नहीं दी हुई, ठीक है, ये तो आगे है. द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, ये भी आपका एमसीक्यू है, ठीक है. फॉर लॉन्ग रेंजेस एंड ग्रेटर प्रिसिशन पावर एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स आर यूज, ये भी आपका एमसीक्यू है, आप इसको नोट कर लें. अच्छा जी, ये एक एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है, कल हमने जो फाइंड आउट किया था कि मैक्सिमम रेंज जो है वो एट प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज जो है वो आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा. और अगर थीटा, ये तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, अगर हम ये पिछले आर्टिकल का जो है उसने पॉइंट टू नो दिया हुआ, ठीक है, तो अगर 45 थीटा रखेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम होगा. देखो जब 45 का एंगल है तो रेंज जो है वो मैक्सिमम है ना. अब यहां वो ये क्लियर कर रहा है कि किसी भी सूरत आप एंगल को 45 से कम पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, थ्रो करें, या 45 से ज्यादा पे करें, तो ये जो रेंज है ना मैक्सिमम, ये इससे कम ही होगा. यानी ये रेड वाला 45 है और 30 वाला है ग्रीन, और ब्लू है ऊपर 60 वाला. तो आप देखें ग्रीन और ब्लू रेड वाले से कम है, यानी रेंज कितने फासले तक मार्क किया. लेकिन इसके साथ वो ये भी बता रहा है कि अगर 30 डिग्री होगा तो हाइट कम होगी. अब वो हाइट को डिस्गाइज कर रहा है. और अगर 30 एंगल 40 से कम होगा तो हाइट भी कम होगी. लेकिन अगर 40 से ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, सॉरी 45 से कम होगा तो हाइट कम होगी, 45 से ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी. लेकिन रेंज दोनों सूरतों में कम ही होगा, रेंज मैक्सिमम सिर्फ 45 डिग्री की फॉर्म में होगा. अब एक आपका छोटा सा क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज. इसमें आपने क्या करना है, जस्ट आप फार्मूला लिखिए रेंज का जो है आपके पास, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा, ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, हाइट का फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी. आप हाइट के फार्मूले से वी आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास आ जाएगी टू जी एच ओवर वी आई स्क्वायर, टू जी एच ओवर साइन स्क्वायर थीटा. हाइट के फार्मूले से वी आई स्क्वायर की वैल्यू जो है ड्राइव करें और उसको सब्स्टिट्यूट कर दें रेंज के फार्मूले में, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4h cot ऑफ थीटा. ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने करनी है, ठीक है. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.